हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कपिलधारा जलप्रपात दिखाने वाली हूँ जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक ज़िले में नर्मदा कुंड से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ नर्मदा नदी का पवित्र जल लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरता है। शास्त्रों के अनुसार यहाँ कपिल मुनि घोर तपस्या की थी और सांख दर्शन लिखा। पास में ही कपिलेश्वर मंदिर स्थित है। इस झरने के आसपास के पहाड़ों में कई गुफाएं हैं जहां संतों ने ध्यान किया और मोक्ष प्राप्त किया। दो अन्य नदियां कपिला और एरंडी नर्मदा नदी से मिलकर यह कपिलधारा वाटरफॉल बनाती हैं। यह झरना जंगल के बीच में स्थित है जिसे कपिल वन कहते हैं। रास्ते में अचल कुमार टाइगर रिजर्व है। यह नर्मदा नदी के तट पर नर्मदा कुंड का पहला जलप्रपात है। पास में ही दूधधारा जलप्रपात भी है। यहाँ पानी जबरदस्त फोर्स से नीचे गिरता है, फिर भी नीचे के कुंड की गहराई केवल 20 से 25 फीट है। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि कपिल ने यहीं से नर्मदा नदी के विपरीत प्रवाह को रोकने की कोशिश की थी। यहां बंदरों लंगूरों से सावधान रहने की ज़रूरत है। कपिलधारा वाटरफॉल की यात्रा करने वाले लोग पवित्र नदी के पानी से पत्थरों को इकट्ठा करते हैं, शिवलिंग के रूप में जिनकी पूजा की जाती है और नर्मदेश्वर कहा जाता है। थैंक यू।